हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद दरोड़ा और आप देख रहे हैं मेड इजी केमिस्ट्री चैनल। सो गाइस, यहां पर नीट एम्स और अदर मेडिकल एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज चला रहा हूं केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है वीडियो नंबर 11। इसके पहले तक मैं 10 वीडियोस नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बना चुका हूं चैप्टर वाइज, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट थे। आई होप आप लोगों ने वो सारी वीडियोस देख ली होंगी, और अगर अभी तक भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है जिसको क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियोस मैं तब तक अपलोड करते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं आ जाता, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबा लो, ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइम टू टाइम इन वीडियोस को देख के सोल्व कर सको। इस बार जो मैंने चैप्टर चूज किया है वो है पी ब्लॉक। सुबह मैंने पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर 17 का डाला था, इस बार ग्रुप नंबर 15 के क्वेश्चंस डाल रहा हूं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों ग्रुप, 17 और 15 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और मैं सेपरेट ग्रुप वाइज ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो चलो सबसे पहले तो वेटेज ही जान लेते हैं। इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 5 से 7 क्वेश्चंस का है, और मैंने जितने भी एमसीक्यूज यहां पर लिए हैं वो सारे के सारे लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हैं। सो आप लोगों का मोरल भी बूस्ट होगा, आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं पिछले सालों में आ चुके हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट रिपीट भी हो सकते हैं, तो फटाफट से उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेकिन इस वीडियो का फायदा आपको तभी मिलेगा, मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद क्वेश्चन को खुद से सोल्व किया करो, और उसके बाद मेरे आंसर को ध्यान से सुना करो, और अगर आपका आंसर सही हो तो आपको +4 मार्क अपने आपको दे देने हैं, और अगर आपका आंसर गलत है तो ऑनेस्टली ईमानदारी से -1 इवेल्युएट करना है। ये वैसा ही पैटर्न है जैसा कि आपको एग्जाम में मिलने वाला है, और उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिख के जाइए। अगर आपके मार्क्स में कुछ ऊपर नीचे हुआ तो मैं आपको जरूर सजेशन दूंगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोगों को फायदा होगा। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम पहला सवाल ले लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको करना क्या है, सवाल खुद से पढ़ना है, उसके बाद अपना आंसर लॉक कर देना है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राई हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज लीस्ट बेसिक, यहां से लीस्ट बेसिक कौन है ये पूछा आपसे। So, चलो मैं आपको इसका आंसर बताऊं क्या है, तो इसका आंसर बनेगा ए। सो फाइनली इसका आंसर ए कैसे हुआ, जरा सोचो। एक्चुअल में बेसिक का मतलब होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, यहां से नाइट्रोजन, और उसके साथ आपने हैलाइड लगा रखे हैं, और आपने, आपको पता होगा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर फ्लोरीन जो आपके पास हेलोजन है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से जाने ही नहीं देगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो ये लीस्ट बेसिक हुआ। सिंपल सा लॉजिक है यहां पर, बेसिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है डोनेट करने की वो बहुत ही कम है, वो NF3 की है। अगला सवाल, NO2 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, यहां से NO2 गैस आप कहां से निकाल पाओगे, ये सवाल पूछा है। तो चलो आप अपना आंसर लॉक कर लो ईमानदारी से, आराम से, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो क्या मैं आपको आंसर बताऊं, तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा सी। अगर आपने सी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो, आप +4 के भागीदार बनते हो। सो अभी फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ये भी सवाल है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में निकलेगा N2O गैस, तो आप इसके लिए क्या करो, मैक्सिमम वाटर के मॉलिक्यूल्स निकाल दो, तो यहां मैक्सिमम 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। सो यहां 2 निकालने के बाद N2O गैस बचेगी जो यहां से बाहर निकलेगी, तो हमें तो NO2 पूछा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और नाइट्रोजन, और यहां पर देखिए जरा ध्यान से, सोडियम और पोटेशियम के जो नाइट्रेट्स होते हैं वो कभी भी डिकम्पोज होकर NO2 नहीं देखे, ये सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, NaNO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा सी। अगर सोडियम और पोटेशियम के अलावा कोई अगर मेटल होता तो वो जरूर NO2 गैस बाहर निकालता, तो ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। अगले सवाल को देखो, विच रिएजेंट कैन सेपरेट नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम नाइट्रस ऑक्साइड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रस ऑक्साइड से कौन अलग कर सकता है यहां पे। सो आपका आंसर जरा लॉक कर लो अगर आपको आता है तो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। एक्चुअल में इसका आंसर बनता है FeSO4। तो होता कुछ यूं है, नाइट्रिक और नाइट्रस ऑक्साइड की जो गैसेज है उनको FeSO4 से यहां से निकाला जाता है, और FeSO4 क्या करता है, यहां पर FeSO4.NO सिर्फ एक इस गैस को ही, ठीक है, अपने सार एब्जॉर्ब करता है और दूसरी गैस को जाने देता है, और बाद में अगर आप इसको हीट करोगे तो अलग हो जाएगा। तो यहां पर सेपरेशन जो है बहुत आसानी से FeSO4 करता है, इसके अलावा कोई नहीं करता, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर बी, अगर आपने बी लगाया तो आपके +4 मार्क हो गए। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो आप बताओ। यहां पर सवाल पूछा है कि कैल्शियम इमाइड, अब ज्यादातर बच्चे तो यहीं पर खत्म हो गए कि इमाइड क्या होता है, दे डोंट नो। तो यहां पर कैल्शियम इमाइड का फॉर्मूला होता है CaNH। अगर कैल्शियम इमाइड का आप हाइड्रोलिसिस कराओ, तो आपने अगर इसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो यहां पर कोई गैस बनती है B, आपको वो सोचना कि वो गैस कौन सी होती है, फिर विच
ऑन ऑक्सीडेशन वाया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर उसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको गैस सी देता है, एंड गैस सी ऑन रिएक्शन विद मैग्नीशियम गिव्स कंपाउंड डी विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अगेन गैस बी। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप में से कौन आंसर कर सकता है, क्या आप में से कोई आंसर बता सकता है, गैस कर सकता है? तो चलो मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ए। सबसे पहले तो आपने जैसे ही कैल्शियमाइड को हाइड्रोलिसिस करवाया तो यहां से अमोनिया गैस निकलेगा, और फाइनली देखो आप अमोनिया गैस का जैसे आप ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराते हो CaOCl2, तो यहां से नाइट्रोजन को वो अलग कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन का अगर आप मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हो तो ये बड़ा आसान था, पहचान सकते थे यहां पर क्या बनता है, Mg3N2 बनता है। तो देखिए यहां से आइडिया लग जाता है, तो इसका आंसर बनेगा ए। और एक काफी अच्छा सवाल था और बहुत बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है। सो चलिए गाइस फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेते हैं। पहले आपको पढ़ना है, फिर आपको अपना आंसर लॉक कर देना, उसके बाद मेरा आंसर सुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज आर करेक्ट। तो यहां पर इज आर लिखा है, इसका मतलब इसके ऑप्शन करेक्ट होने की जो पॉसिबिलिटी है एक से ज्यादा भी है, सो एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं। तो देखिए फटाफट से, द ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट नेचर, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि नाइट्रोजन हमें पता है ये एक नॉन मेटल है, उसके बाद नीचे जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो कोवेलेंट करेक्टर जो ऊपर ऊपर से नीचे जाने पर घटेगा, तो बिल्कुल सही ऑर्डर लगा है, इसका मतलब ए तो आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रिड्यूसिंग नेचर, ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर जो है वो बढ़ता है, जबकि यहां पर घटते हुए दिखाई दिया है। हाइड्राइड के केस में रिड्यूसिंग नेचर जो है ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो इसका मतलब ये तो गलत हुआ। नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, हाँ ये बिल्कुल सही लगा हुआ है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा बॉन्ड बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो ये भी सही है, सी सही है। ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं जब हम, तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड घटती है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड घटने लगती है टॉप टू बॉटम, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइज बढ़ रहा है, हाइड्रोजन को आसानी से अलग किया जा सकता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी घटने लगती है, तो ये भी सही है। तो तीनों आंसर हुए उसके ए सी डी, अगर आपने तीनों लगाए हैं तो बिल्कुल सही हो। नेक्स्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या आपको आता है? तो चलो मैं आपको बताता हूं इसका आंसर बनेगा, यहां से देखिए इसका आंसर बनेगा सी। अगर आप सी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। वैसे देखिए बॉइलिंग पॉइंट के केस में आपको वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखना होता है, यहां पर वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, और वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ऊपर से नीचे जाओगे तो मोलर मास जो है वो बढ़ने लगता है, तो वेंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ने लगता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने लगता है। यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पर, वो कौन है? अमोनिया। क्योंकि अमोनिया में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, तो एक्चुअल में ये जाएगा सबसे ऊपर। इनफैक्ट कई बुक्स में तो इसको यहां पे Sb से भी ऊपर लिखा हो, लेकिन यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, सी। ये बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ ओसवाल्ड। अब ये डेटा सेंट्रिक क्वेश्चन है, और वैसे भी देखिए यहां पर अमोनिया का आप क्या कराते हो, ऑक्सीडेशन कराते हो, कैटलिस्टिक ऑक्सीडेशन, तो ये बिल्कुल सही है, अमोनिया कैटलिस्टिक ऑक्सीडेशन, और वहां पर इतना कम नहीं होता, 4 और 5, ये डी आंसर है इसका। अगर आपने डी लगाया तो आप बिल्कुल सही हो, यहां पर 3 प्रोसेसेस होते हैं, आपको पता है ओवरऑल एडिशन करोगे तो ये बनेगा, जैसे नाइट्रिक एसिड बाहर निकलता है ओसवाल्ड से, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। यहां पर आंसर बताइए फटाफट से, कोई भी एजाइड उठा लो उसे प्योर नाइट्रोजन निकलेगा, तो सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड इसके आंसर्स हो गए, तो यहां पर बी और सी, बी और डी दोनों आंसर्स हैं। अगला सवाल चेक कर लेते हैं, मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर जितना प्योर नाइट्रोजन चाहिए उसके लिए एजाइड रिस्पॉन्सिबल है, तो एजाइड को उठा लो, उसको हीट करोगे तो वहां पर प्योर नाइट्रोजन निकलेगा। अगला सवाल भी बहुत अच्छा है, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग P4O10 इज नॉट करेक्ट। बहुत ही अच्छा सवाल है, सेकंड बेस्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। P4O10 के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। पहला तो P4O10 एवरी फॉस्फोरस इज sp3 हाइब्रिडाइज, इसकी स्ट्रक्चर देख लो P4O10 की, और यहां पर हर एक फॉस्फोरस क्या करता है, बेसिकली sp3 हाइब्रिडाइज होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो सबको पता होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा आपसे, ठीक है। P4O10 में पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है, फॉस्फोरस का डी और ऑक्सीजन का जो है पी, फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है वो ओवरलैपिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, ये भी सही है, तो आंसर नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है। P4O10 इज यूज टू डिहाइड्रेट अमोनिया, ये है एक्चुअल में, इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका आंसर बनेगा सी। अमोनिया को डिहाइड्रेट करने के लिए P4O10 का इस्तेमाल नहीं होता, हालांकि P4O10 को हम लोग हाइड्रेट
हाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिहाइड्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमोनिया के केस में नहीं करते। अमोनिया को ये डिहाइड्रेट नहीं कर सकता, कैल्शियम ऑक्साइड करता है, अमोनिया को डिहाइड्रेट आपको ध्यान रखना होता है, या सिलिका जेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन, P4O10 में 6 POP बॉन्ड्स होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर पर चले जाओ, एक्चुअल में इनकरेक्ट पूछा तो आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीओपी एंड पीओएच बॉन्ड्स प्रेजेंट इन रिस्पेक्टिवली। अब देखो पायरोफॉस्फोरिक एसिड पूछा है ना, व्हाट इज पायरोफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज दो तो उसमें क्या होते हैं, फॉस्फोरस, और सात ऑक्सीजन होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, टोटल चार। और एक्चुअल में ये पीओपी, ये देखिए यहां पर, ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये पीओपी बॉन्ड हो गए, उसके बाद एक ऑक्सीजन यहां से सीधे यूं, और एक ऑक्सीजन यूं, उसके बाद आपको पता है कि ये कितने बॉन्ड बनाता है, तीन, तो पांच बॉन्ड बना सकता है फॉस्फोरस, तो यहां पर ये पांच बॉन्ड बना के रखे हुए हैं। तो जरा चेक करो, OH यहां पर हुआ, OH यहां पर हुआ, OH और यहां पर हुआ OH, इसको बोलते हैं हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब आप चेक कर लो यहाँ पर पीओपी बॉन्ड कितने हैं, तो सिर्फ एक ही है, ये देखो पीओपी बॉन्ड, यहाँ पर पीओपी बॉन्ड तो सिर्फ एक ही है, यानी पीओएच बॉन्ड कितने हैं, तो देखो जरा चेक करो, एक पीओएच, दूसरा पीओएच, तीसरा और चौथा, तो 1 और 4, सी आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, कहता है विच ऑफ दी फॉलोइंग रिगार्डिंग N2O इज नॉट करेक्ट। यहाँ से N2 के रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट नहीं है, तो देखो N2 सबको पता है लाफिंग गैस होती है, तो ये तो करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा आपसे, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड मिक्स विद ऑक्सीजन एनेस्थीसिया, ये भी बिल्कुल सही है, एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होता है। अब AOB में से बचा, कहता था सोल्युबिलिटी ऑफ N2O इज ग्रेटर इन कोल्ड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू हॉट सोल्यूशन, या फिर द सोल्युबिलिटी ऑफ N2O इज मोर इन हॉट सोल्यूशन एज कम्पेयर टू कोल्ड सोल्यूशन। तो आपको बता देता हूँ, इनकरेक्ट पूछा है, हॉट सोल्यूशन में इतनी आसानी से सोल्यूबल नहीं होती N2 गैस, इसका आंसर होगा बी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग N2O4 इज नॉट करेक्ट, यहां से फिर से नॉट करेक्ट, और ऐसे सवाल बहुत आते हैं, नॉट करेक्ट कौन सा है, तो देखो N2O4 प्लेनर होता है क्या, या बिल्कुल प्लेनर होता है, N2O4 प्लेनर होता है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। आप उसकी स्ट्रक्चर देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, ये प्लेनर बन के आएगा आपके लिए, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पर N से N, यहाँ पर ये क्या होता है, प्लेनर होता है। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल N2O4 कंटेन वीक एनन बॉन्ड, बिल्कुल सही, N2O4 को डिकम्पोज कर सकते हो आप आसानी से, तो ये वीकर बॉन्ड होता है। इन लिक्विड N2O4 NOCl एक्ट एज अ बेस, अब ये गलत है, लिक्विड N2O4 में NOCl बेस की तरह काम बिल्कुल भी नहीं करता, आपसे इनकरेक्ट पूछा था, तो ये आंसर बनेगा इसका सी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस की तरह काम नहीं करता, इवन एन एसिड की तरह काम करता है। नाउ लुक एट, आप वैसे ही वालों पढ़ जाना चाहिए, इस मॉलिक्यूल को देख लो। नेक्स्ट, फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, N2O4 का डाइपोल मोमेंट क्या जीरो होता है, बिल्कुल सही, N2O4 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बहुत आसान है, नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर बाय कैटलिस्टिक ऑक्सीडेशन ऑफ, ये बहुत ही आसान सवाल था जो मैंने जानबूझ के लिया, क्योंकि स्टीव जॉब्स जी कहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सिंपल थिंग्स, तो कई बार ये गलत हो जाता है। इसका आंसर बनेगा अमोनिया, अमोनिया के ऑक्सीडेशन, कैटलिस्टिक ऑक्सीडेशन से आप क्या बनाते हो, नाइट्रिक एसिड बनाते हो, तो इसका आंसर बनेगा बी, अगर आपका सही है तो +4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान सा सवाल है, कहता है NH4 इज हीटेड इन टेस्ट ट्यूब, अगर आप NH4Cl को हीट करते हो टेस्ट ट्यूब पे क्या बनेगा, एक तो अमोनिया और दूसरा HCl। अब बस आपको लाइन पढ़नी है और आसानी से जवाब दे देना है। कहता है वेपर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद रेड लिटमस, आप रेड लिटमस जिसको आपने किसमें कर दिया कन्वर्ट, ब्लू लिटमस में, और वापस वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है, वैसा कैसे हो गया, अब खुद ही सोचो, वापस से ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हुआ है तो इसका मतलब डिफ्यूजन अमोनिया का ज्यादा हो रहा है। नाउ लुक एट इट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, बेसिकली सी। तो ये मेरी तरफ से अल्टीमेट क्वेश्चंस हो गए गाइस, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब करो चैनल को, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, बेल आइकन के बटन को दबाओ ताकि आपको इनके नोटिफिकेशन टाइम से टाइम मिल सके। दूसरा, वीडियोस को शेयर करो, जितनी दूर तक ये वीडियोस जाएंगे, जितनी दूर तक मेरी आवाज जाएगी, उतने अच्छे वीडियोस मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा। वीडियोस को लाइक करो और अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलो, ताकि मैं आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग सजेशन देख सकूं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।